नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टोविग्रेस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टोविग्रेस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टोविग्रेस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टोविग्रेस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टोर्विग्रेस एक ब्रांड नेम है। टोर्विग्रेस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन टोरसेमाइड होता है। टोर्विग्रेस टैबलेट 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। टोर्विग्रेस टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर अधिक होने पर और शरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। टोर्विग्रेस टैबलेट शरीर में ब्लड प्रेशर और शरीर की सूजन को कम करती है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से लकवा लगने का, दिल का दौरा पड़ने का और किडनी खराब होने की समस्याएं होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लिवर, किडनी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वजह से पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर टोर्विग्रेस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। टोर्विग्रेस टैबलेट डायूरेटिक ड्रग क्लास की दवा है। डायूरेटिक दवाइयां शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालती है। टोर्विग्रेस टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है, इसलिए डॉक्टर टोर्विग्रेस टैबलेट को उन व्यक्तियों को भी लेने की सलाह दे सकते हैं जिन व्यक्तियों को कोई किडनी से संबंधित समस्या है या जिन व्यक्तियों की किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टोर्विग्रेस टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। टोर्विग्रेस टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। टोर्विग्रेस टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टोर्विग्रेस 5 mg टैबलेट से लेकर टोर्विग्रेस 20 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। टोर्विग्रेस टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको टोर्विग्रेस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि टोर्विग्रेस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टोर्विग्रेस टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टोर्विग्रेस टैबलेट की वजह से चक्कर आना, सिर दर्द होना, कानों में कुछ बजने की आवाज आना, कानों से कम सुनना और आंखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा टोर्विग्रेस टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी होना, दस्त होना और शरीर में कमजोरी हो सकती है। टोर्विग्रेस टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किडनी की कार्यप्रणाली बिगड़ सकती है। इसके अलावा टोर्विग्रेस टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आपको टोर्विग्रेस टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टोर्विग्रेस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टोर्विग्रेस टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि टोर्विग्रेस टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप टोर्विग्रेस टैबलेट को शाम के समय लेते हैं तो आपको रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने टोर्विग्रेस टैबलेट को शाम को लेने की सलाह दी है तो आप टोर्विग्रेस टैबलेट को शाम के समय ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए टोर्विग्रेस टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए टोर्विग्रेस टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए
प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टोविग्रेस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका टोविग्रेस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।